दोस्तों राजवंश सिंह वाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये मैंने एक चित्र बनाया। चित्र ये क्यों बनाया, क्योंकि मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड में एक चैप्टर लिखा है कि आपके शरीर के दो हिस्से हैं, एक तो गर्दन के ऊपर वाला ये जो है और दूसरा गर्दन के नीचे वाला। ये ऊपर वाले की कार्यशैली या इसका काम करने के बाद रिजल्ट बहुत डिफरेंट है और इसका जो काम करने का रिजल्ट है बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये जब काम करता है नीचे वाला काम करता है तो ये हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आप की जो आउटकम है उसमें से हार्ड वर्क में से आउटकम है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब यदि हम शारीरिक तौर पर कोई सख्त मेहनत करते हैं तो हमें उसके बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत कम रिवार्ड मिलता है और सीधे साधे तौर पर कहा जाए तो हमारी गिनती मजदूरों में ही आती है। और यदि हम ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल कर लें तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। जो दो शरीर के दो हिस्से मैंने किए हैं, नीचे वाला हिस्से का पर्पज अलग दिया ऊपर वाले ने और ऊपर वाले का अलग दिया ऊपर वाले ने। सो हमें देखना है कि हमने यूज कौन सा करना है। हार्ड वर्क करना ठीक है, हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन इसको इन्वॉल्व आपको करना पड़ेगा। यदि आप इसको इन्वॉल्व नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत नीचे वाले लेवल पे रुकने की आपकी मतलब एक संभावना बनी रहती है। सो हम इसको यूज नहीं कर रहे दोस्तों। अभी मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमने इसको यूज करना ही छोड़ दिया। आज से 15 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में और घर में एक थिंकिंग रूम बनाया हुआ था। थिंकिंग रूम का मतलब ये था कि मैं अपना कोई वहाँ फोन नहीं सुनता था, थोड़ा सा जितना मेरे को अंधेरा चाहिए था अंधेरा, जितना मेरे को लाइट चाहिए लाइट लगा के मैं सोफे पे लेट जाता था 1 घंटा 2 घंटा। वो मेरे को बहुत बढ़िया, जो मेरे अंदर विचार आने चाहिए थे, मेरा माइंड उस टाइम बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था, तो उसको मैं थिंकिंग रूम कहता था कि यदि मैंने कुछ अच्छा सोचना है तो मेरे को उस रूम में जाना पड़ेगा, दुनियादारी से कट गई। और बाथरूम भी जो है उसको भी शांति निकेतन बोला जाता है। शांति निकेतन का मतलब यह है कि बाप उस जब बाथरूम में चले जाते हो, चाहे टॉयलेट में जाते हो, तो जब आप वहां पर बैठे होते हो तो आप दुनिया से कटे होते हो। आपके मन में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मैं समझता हूँ आपके दिल में या आपके दिमाग में शांति रहती है, और शांति रहती है बड़े से बड़ा आइडिया भी। कई लोगों की मैंने इंटरव्यू सुनी है, बड़े से बड़ा आइडिया उनका जब आया वो कब आया, जब वो बाथरूम में बैठे। सो हमें बाथरूम में बैठने का मतलब ये नहीं कि हमने सारा दिन बाथरूम में बैठ रहे ना, मेरा मतलब ये है कि हमने ऐसा ऑरा क्रिएट करना है, ऐसा एक माहौल क्रिएट करना है जहां पर हम सोच सकें। अब प्रॉब्लम ये है, 15 साल पहले की तो मेरे पास सुना थी, आज की पोजीशन क्या है। आज मेरे पास मोबाइल है, एक की छोड़ दो हैं, कभी किसी पे वीडियो आ गई, कभी किसी पे नोटिफिकेशन आ गई, कभी किसी पे आ गई, तो मेरा जो ध्यान है वो सारे का सारा मोबाइल में रहता है। मैं अपने आप के ऊपर भी बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर भी कर रहा हूँ, आपका भी यही हाल है। आप ये नहीं है कि दुनिया में अलग हो। यदि आप चाहते हो कि आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आए तो आपको मोबाइल से कुछ देर के लिए दूरी जरूर बनानी पड़ेगी। ये मानने की बात है कि मोबाइल फोन जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। अहम रोल तो और चीजें भी अदा करती हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें उसको यूज कैसे करना है। हम ट्रेन में जाना है कहीं, 2 AC 3 AC या फर्स्ट क्लास AC में बैठ के कहीं भी चले गए, और उसी ट्रेन के आगे हम कोई बंदा छलांग लगा देता है तो उसका क्या हाल होता है, और जो अंदर बैठ जाता है उसका क्या हाल होता है। मतलब ट्रेन वही है, उसको यूज करने का तरीका अलग अलग हो गया। अब जब ट्रेन की बात को मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाया, यही बात मैं अपने मोबाइल को लेके भी समझा रहा हूँ आपको कि मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन कब, जब आप उसको पॉजिटिव वे में उससे काम लोगे। तो उससे पॉजिटिव वे में काम लेने के लिए हमें कुछ अच्छी चीजें उसमें से सीखने के लिए निकालनी चाहिए, और जो आपका सॉफ्टवेयर यहां पड़ा है, दिमाग में जो पड़ा है, जो यहां पर पड़ा है,
वो कब काम करेगा, जब आप मोबाइल फोन से या दूसरे तरीके की टेंशनों से थोड़ा दूर हो जाओगे। टेंशनों का मतलब कोई आपकी घर की समस्या होती है, सभी को होती है, मेरे को भी है, आपको भी होगी, तो घर की समस्या से भी थोड़ा थोड़ा मोबाइल से बचना है, थोड़ा दूसरी एंटरटेनमेंट से बचना है। क्योंकि मैंने ये देखा है आज का नौजवान ज़्यादातर वीडियो ही देख देख के सारा दिन थक जाता है, और थकने के बाद सो जाता है, सोने के बाद फिर वीडियो लगा के फिर थक जाता है, फिर सो जाता है। यदि वीडियो लगानी भी है तो हमने कौन सी वीडियो लगानी है, तो ये इसके ऊपर हमें डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वीडियो देखनी, किससे हमारी जो मेंटल लेवल है, जो हमारा यहाँ से यहाँ आ सकता है, हमने मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए क्या चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा दिन हम एंटरटेनमेंट के लिए या गंदी मंदी वीडियो आती हैं वो देखते देखते हमारा दिमाग उसी तरीके से हो जाता है। जो आपके दिमाग में होता है वही आपके वो बाहर निकलता है, वही आपके मतलब थॉट बिकम थिंग्स। ये रोंडा बैरन ने कहा किताब में द सीक्रेट में, थॉट बिकम थिंग्स का मतलब जो आपके अंदर विचार चलते हैं वही जिंदगी बनती है, वही एक चीज बन जाती है। आपने कभी नहीं सोचा, कभी तो आप ये सोचो कि आपने कार लेनी है तो पहले दिमाग में आएगा आपके कार का थॉट, तो उसके बाद कार होगी, घर लेना है तो भी थॉट आपके आएगा। तो इसी तरीके से यदि आपके दिमाग में गंदे विचार आएंगे तो आप गंदगी की तरफ जाओगे, यदि आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे तो आप अच्छे मतलब अच्छी साइड चले जाओगे। सो मेरे इस वीडियो से आपको यही समझाने की कोशिश है कि दोस्तों आपने इस हिस्से को जरूर यूज करना है, और इसको यदि यूज करोगे तो आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत मोबाइल फोन से दूर रहना पड़ेगा। एक मैं आपको थोड़ी छोटी स्टोरी भी सुनाता हूँ। एक माँ ट्रेन में बैठ के कहीं जा रही है, उसका बच्चा भी उसके साथ बैठा है, तो वो माँ जो है किताब पढ़ रही है, बच्चे ने भी उठा के किताब पढ़नी शुरू कर दी, तो उसकी माँ को किसी ने सवाल किया कि आजकल तो बच्चे मोबाइल फोन में देखते हैं तो आपका बच्चा किताब भी पढ़ रहा है। वो कहती नहीं, बच्चे मोबाइल फोन नहीं देखते, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, जो माँ बाप जो कर रहा है उसकी नकल करनी है। मेरे हाथ में किताब है तो बच्चों ने किताब उठा ली, मेरे हाथ में मोबाइल होता तो बच्चा मेरे से मोबाइल मांगता, तो नकल करते हैं बच्चे। तो भाई आपने भी देखना है कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सा आदर्श बनना चाहते हो। यदि आप आदर्श बनना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो यही वीडियो का मैसेज, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वीडियो, इस तरीके की वीडियो यदि आपके पास आती है तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा।